नमस्कार दोस्तों, आरसीएम जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक भर्ती परीक्षा आयोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि मेरे द्वारा भी हाल ही में आपको फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के संबंध में जानकारी दी गई थी, लेखपाल भर्ती के संबंध भी जानकारी दी गई थी, आज मैं आपको एक और भर्ती के संबंध में जानकारी दूंगा जिसके परीक्षा का आयोजन अप्रैल माह में संभावित था, जो पिछला भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सारी प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। अब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन कब होगा, इसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी। आप सभी को मालूम होगा 31 मई 2020 या 4 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। अभी तक इसके संबंध में घोषणा नहीं की गई है, न तारीख का निर्धारण हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 31 मई या 4 जून, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद ही अगर स्थिति सामान्य होती है तो बैठक की जाएगी और बैठक में भर्ती परीक्षा कैलेंडर के संबंध में विचार विमर्श होगा। अब कैलेंडर जारी होगा, उसमें क्या लिखा रहेगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा आयोजन के संबंध में। देखिए, बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा आयोजन के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस परीक्षा का आयोजन अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह में किया जाएगा। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह में किया जाएगा, आप लोग अक्टूबर मानकर तैयारी करें। देखिए, लक्ष्य पहला होना चाहिए, ना कि बाद का होना चाहिए। मैं 2 महीने का जिक्र कर रहा हूँ, तो आप अक्टूबर बेस बनाकर तैयारी करें। अक्टूबर या नवंबर माह में परीक्षा का आयोजन होगा। अगर स्थिति सामान्य रही, आज की जो स्थिति है इससे दयनीय नहीं हुई,